हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। बच्चों, फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे आपको डिटेल में वीडियोस हैं, वही शॉर्ट है। लेकिन कुछ बच्चे छोटे छोटे डेरिवेशन से बहुत बच्चे डरते हैं, तो उनका डर भगाने के लिए ये सीरीज को चालू किया जा रहा है। इसमें कम समय में आप लोगों को कवर करके देंगे हर डेरिवेशन। वो 3 मार्क का हो सकता है या 2 मार्क का हो सकता है, कभी कभी 4 मार्क का भी डेरिवेशन होता है, मैं बताते रहूंगा। ये टॉर का डेरिवेशन आपके लिए 3 मार्क के लिए है। चैप्टर तो पता होना चाहिए, रोटेशनल डायनामिक्स है, छोटे छोटे फार्मूले पता होना चाहिए। नहीं है तो अभी कर लो यार, अभी तो को पता है 50-55 दिन है आपके पास, तो फटाफट करेंगे हम लोग। और इस चैनल पे नया हो तो यार सब्सक्राइब करना, चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि इस डेरिवेशन को जितना सपोर्ट उतने आपके मार्क कवर। चलिए, तो टॉर्क ये ऐसा छोटा सा डेरिवेशन है। बच्चे पूछते हैं सर इसमें थ्योरी क्या लिखे है, कि नहीं, किसको नंबर होते हैं, सब चीजें डिटेल में मिलेंगी आपको। सबसे पहले यार 3 मार्क के लिए आप लोगों को निकालना पड़ती है डायग्राम, एक छोटी सी, उसके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे एक मास है M1 नाम का, यहाँ पे एक M2 नाम का है, यहाँ पे एक M3 है, यहाँ पे MN, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से बनी बॉडी, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस है R1, ये R2 डिस्टेंस है, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस है बेटा ये, ठीक है। R3 है, ये R4 है, या RN है, सॉरी, यंथ नंबर ऑफ पार्टिकल है। इसमें मुझे बताओ यार, इसकी जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर F1, यहाँ पे फोर्स लगेगा F2, यहाँ पे फोर्स लगेगा F3, और यहाँ पे FN, और ये गोल घूम रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है। कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये डायग्राम के आधा मार्क। अब फेकोलॉजी क्या करना है, नाउ द कंसिडर द बॉडी ऑफ masses M1, M2, M3, dash, MN, situated distance R1, R2, R3, dash, RN, and force acting on each particle F1, F2, F3, dash, FN, and constant angular acceleration alpha, is phacology को आधा नंबर होता है। Got it? अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसका शॉर्टकट भी बताने वाला हूं लास्ट में, ठीक है। देखो, यहां पे लिखना पड़ेगा आपको रिलेशन बिटवीन लीनियर, ठीक है, एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहां पे a इज इक्वल टू r अल्फा, ये रिलेशन पता होना चाहिए यार, दिमाग में आना चाहिए आपको। मैं थोड़ा सा एक शॉर्टकट बताता हूं, बाद में लॉन्ग कट। देखो, टॉर्क का ओरिजिनल फार्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये फोर्स न्यूटन्स ला पता होना चाहिए कि नहीं, नहीं है तो कर लो F is equal to MA, F is equal to यहां पे MA है। A क्या बेटा, acceleration। जिनको ये 3 स्टेप पता है, ये डेरिवेशन भैया होगा 3 मार्क का फिक्स। वाह, क्या अपॉर्चुनिटी है सर। और ये फार्मूले हमने बचपन में पढ़े, F is equal to MA, 8th क्लास में, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशन करवा दो, नहीं है तो पता करवा दो। रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, सिंबल पता होना चाहिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यस, एंगुलर का थीटा। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का सिंबल v, एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा। रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सिंबल पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं बेटा। मेरी बात तो समझ में आ रही है, कुछ नहीं। देखो, डिस्प्लेसमेंट कौन सा, लीनियर एंगुलर, लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंगुलर, सॉरी, एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन, सिंबल है बेटा, कुछ नहीं, बीच में आर लिखो, हो गया रिलेशन तैयार। इन तीनों रिलेशन को याद रखो। चलो, ये समझ में आया क्यों लिखा है मैंने, है ना, रिलेशन बिटवीन क्यों लिखा है। देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल लिखो ऐसे, फोर्स। अब बच्चे बोलते ना क्या लिखना चाहिए, जो फार्मूला देखो आप, फोर्स पता लगना करना है हमको, फोर्स एक्टिंग ऑन अ ईच पार्टिकल भी लिख सकते थे F1 F2, लेकिन F इज इक्वल टू MA, फर्स्ट पार्टिकल भी लिख सकते थे। A की वैल्यू मुझे पता है, हाँ सर, F इज इक्वल टू M, इसकी वैल्यू बेटा A की R इंटू अल्फा, ये फोर्स एक्ट हो रहा है इस पार्टिकल पे। गॉट इट, समझ में आ गया क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है बेटा। देखो, पहले रिलेशन बिटवीन, बाद में फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, बाद में हम लोगों को निकालना पड़ेगा। यहाँ पर गोल चीज घूम रही है टॉर्क, स्टेयरिंग पता है गाड़ी की, ये स्टीयरिंग घुमाते हैं ऐसे ऐसे, है ना, तो वो स्टीयरिंग वाला जो है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, लिखो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, या बॉडी बोलो, बॉडी बोले तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला बेटा हम लोगों को फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है और ये परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ओके। थोड़ा सा ऊपर भी गया तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी देखो यहाँ पे टॉर्क, ओके सर, फोर्स क्या है सर, यम आर अल्फा और एक आर, तो क्या होगा बेटा टॉर्क, टॉर्क होगा यम आर स्क्वायर अल्फा, ये होगा टॉर्क। लेकिन बेटा उसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स है, देखो हर पार्टिकल के लिए टॉर्क, इस पार्टिकल के लिए यम वन के लिए, यम टू के लिए, यम थ्री के लिए, यम, तो लिख सकते फर्स्ट पार्टिकल ऑफ टॉर्क, ऐसे लिखो अभी यहाँ पे। आपको पता लग रहा होगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और कितना इजी लेवल पे है, लेकिन बस अब तो फेकोलॉजी थोड़ी सी है ना। फर्स्ट पार्टिकल देखो, फर्स्ट पार्टिकल का टॉर्क जो है, फर्स्ट पार्टिकल पे टॉर्क कैसे लिखोगे, यम वन आर वन स्क्वायर अल्फा। बेटा अल्फा ये एक्सियल वेक्टर, इसलिए अल्फा वन अल्फा टू नहीं लिखा जा सकता है, कॉन्स्टेंट है, एक्सियल वेक्टर। फिर ओमेगा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम भी है। चलिए सेकंड पार्टिकल देखो, ये सेकंड पार्टिकल का टॉर्क किससे है, आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, टॉर्क टू इज इक्वल टू यम टू आर टू स्क्वायर अल्फा। डैश 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 करके क्या लिखोगे, यंथ पार्टिकल, कैसे यंथ पार्टिकल का टॉर्क कितना है, तो कैसे करोगे, बस वही फार्मूला है यार, यम यन आर यन स्क्वायर अल्फा। देखो फर्स्ट इसलिए वन लिखा, बेस सफिक्स एक्स, सफिक्स टू, सफिक्स एम, अब क्या करोगे, टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क निकालना, मतलब क्या करोगे यार, टॉर्क वन, टॉर्क टू, डैश डैश, ऐसे कहां से टॉर्क यन तक, सही बेटा। चलो आगे बैठो, कितना इजी यार, ये कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग से सोचोगे तो कुछ भी नहीं है। चलो सबका फार्मूला तो पता है मुझे, अभी बताओ टॉर्क, टॉर्क वन क्या है बेटा, यम वन आर वन स्क्वायर अल्फा, यम टू आर टू स्क्वायर अल्फा, डैश डैश यम यन आर यन स्क्वायर अल्फा। क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप लोग, यम वन आर वन स्क्वायर अल्फा को कॉमन निकाल सकता हूँ, यम टू आर टू स्क्वायर प्लस डैश डैश यम यन आर यन स्क्वायर या अल्फा कॉमन, ये कौन है, तो ये समेशन ऑफ यम आई आर आई स्क्वायर की वैल्यू है, आर आई इज इक्वल टू वन टू यम तक है, ये इसकी वैल्यू बेटा, ये है ना, सब समेशन मतलब ऐड करना, पहले का मोमेंटम, ये दूसरे का मोमेंटम बोलते इसको, ये तीसरे का मोमेंटम, यम तक मोमेंटम है बेटा, लेकिन इसको हम लोग एंड में आई लिखता है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये हमको मिला है। शायद इसके एसआई यूनिट अगर पूछते हैं तो एसआई यूनिट निकालते समय टॉर्क का जो ओरिजिनल फार्मूला था वो निकालो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स का यूनिट होता है बेटा न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर। इसके डायमेंशन सीजीएस यूनिट, अगर सीजीएस यूनिट पूछा तो कभी कभी पूछते ना, तो डाइन सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये उसके बाद में यहां पे हम लोगों को इसके अगर डायमेंशन पूछा तो सब दे रहा हूं बेटा, इसके डायमेंशन जो टॉर्क के ही फोर्स के डायमेंशन होते याद रखना, यम वन यल वन टी माइनस टू और मीटर ही इसलिए लेंथ, देखो न्यूटन के यम वन यल वन टी माइनस टू, एक्चुअली ये जूल के ही है, जूल, जूल होता है ना, पता ना, जूल के डायमेंशन यही है। तो आपको नंबर कैसे मिलते हैं सर, अगर ऐसा यूनिट ये नहीं पूछा तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप देखो इसके नंबर कैसे पूछे जाते सर, ये तीन मार्क के लिए सवाल कैसे, तो सबसे मेन यहाँ पर डायग्राम को कभी कभी नंबर होते हैं, कभी कभी नहीं होते, रेड पेन इस्तेमाल करो ताकि आपको पता लगे कि पेपर कैसा चल रहा है, ठीक है। देखो बेटा ये फेकोलॉजी लिखो और डायग्राम तो आधा मार्क, फेकोलॉजी आधा मार्क, ये दोनों फार्मूले का आधा मार्क, टॉर्क का फार्मूला आधा मार्क, समझे बेटा कैसे, यहाँ पे फेकोलॉजी देन नाउ कंसिडर द पार्टिकल, ये लिखे हो डायग्राम, इन दोनों का, ये टॉर्क का आधा पेशल मार्क, यहाँ पे आप लोगों ने इसका जो फाइनल देखो डेढ़ मार्क हो गया, ध्यान याद रखिएगा, ये तो पूछोगे मुझे बाद में, यहाँ पे यहाँ ये जो लिख रहे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टिकल अप उसका आधा मार्क, ठीक है। उसके बाद में बेटा आपने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आधा मार्क, रुक जा भैया, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला का आधा मार्क, फाइनल आंसर आधा मार्क, तो ये तीन मार्क के लिए शायद आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये तीन मार्क के लिए आपको मिलता है डेरिवेशन, क्या मिल रहा है डेरिवेशन।
तो आप लोगों को अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करो, लाइक करो, न्यू है तो चैनल का सब्सक्राइब करना, जितना शेयर करोगे वैसे। देखो 3 मार्क का डेरिवेशन कितने कम समय में करके दे रहा हूं, 3 मार्क का डेरिवेशन बहुत इजी। इसके लिए दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं जिन बच्चों को पता नहीं है, सिंपल आपको एक तो टॉर्क निकालना दिमाग में होना चाहिए कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है बेटा, तो पता होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का रिलेशन आर इंटू अल्फा। ये तीनों फार्मूले जिनके दिमाग में है हटाक से खत्म कर रहे हैं आप लोग। देखो एफ यहां पे एम ए की वैल्यू क्या बेटा, आर इंटू अल्फा हो गया। देखो अभी एम आर अल्फा समझे, इसकी ये आर है तो आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर शॉर्टकट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, हो गया खत्म। लेकिन बेसिक फार्मूले यही है बेटा, ये जो ब्रैकेट कर रहा हूं, ये बेसिक फार्मूले आने से आपके 3 मार्क पक्के। तो चलो शेयर करो, लाइक करो, चलो बाय।